आज की जो आपकी रिक्वेस्ट है ये हर एक बिगिनर सीखना चाहता है और हर मास्टर बजाना चाहता है, तो सीख लिया जाए सीखो सरल के सबसे सरल तरीके से। चलिए नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो एक झलक हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टेव के एफ शार्प से, ठीक है। और ये टोन आपने सुनी, ये मैंने हारमोनियम की टोन रखी हुई है और इसको हम ओरिजिनल स्केल से ही सीखेंगे। इसका जो ओरिजिनल स्केल है वो है एफ शार्प मेजर, ठीक है। एफ शार्प मेजर कैसे प्ले करते हैं? एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प, एफ शार्प मेजर, ठीक है। और जो लोग हारमोनियम पर सीख रहे हैं इस गाने को, उनके लिए है तीसरी काली, ठीक है। यहां से वो स्टार्ट करेंगे। तो पहली लाइन देखिए क्या है, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा दूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो स्टार्ट होगी मिडिल ऑक्टेव के एफ शार्प से, देखिए। यह है वो लाइन। अब इसको आराम आराम से देखते हैं। नोटेशन जो है मैंने बहुत सरल कर दिया आप लोगों के लिए। काफी सारी जगहों पर जो नोटेशन है वो जिगजैग है तो थोड़ी दिक्कत होती है, मगर मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है। सिंपल वे में मैंने नोटेशन को रखा है ताकि सब लोग इसको आराम से सीख सकें, बजा सकें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमने प्ले किया एफ शार्प दो बार, फिर जी शार्प एक बार, फिर ए शार्प, फिर सी शार्प तीन बार। तो कैसे हुआ ये? ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट देखिए। अब इसके आगे का पार्ट क्या है देखिए, इसको हम स्टार्ट करेंगे हायर ऑक्टेव के डी शार्प से। यहां से देखिए, क्या किया? डी शार्प, सी शार्प, ए शार्प, फिर ए, फिर तीन बार ए शार्प, ठीक है। तो ये किस तरह हुआ, ठीक है। तो पूरी लाइन क्लियर हो गई। एक बार पूरी लाइन को सिंगल फिंगर से कंटिन्यू आराम आराम से देखिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इस लाइन को आपको दो बार प्ले करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो लाइन है, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, फिर आपको बताता हूं। देखिए, स्टार्ट होगी मिडिल ऑक्टेव के ए शार्प से। बहुत सिंपल है, ए शार्प, एफ शार्प, फिर ए शार्प, फिर एफ शार्प और तीन बार डी शार्प। कैसे? बहुत सिंपल थी। अब इसके बाद क्या है, इसके आगे का पार्ट क्या है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, देखिए। इसमें क्या हुआ, ए शार्प, एफ शार्प, ए शार्प और फिर डी शार्प पर आ गए और फिर तीन बार एफ शार्प प्ले करेंगे। कैसे? ठीक, क्लियर हो गया। इस लाइन को भी एक बार सिंगल फिंगर से बता देता हूं। और ये वाली लाइन भी आपको दो बार प्ले करनी है, ठीक है। दोनों लाइन को आपको दो दो बार प्ले करना है। अब इसके बाद आपका कॉर्ड लगेगा। कॉर्ड कौन सा? एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प, तीनों को मिला के एक साथ ये बन जाएगा एफ शार्प मेजर कॉर्ड, ठीक है। और ये कॉर्ड प्ले कैसे होगा ये भी देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से, ठीक है। तो एफ शार्प, ए शार्प और सी शार्प, एफ शार्प, ए शार्प कौन सा है, मिडिल ऑक्टेव का है, और सी शार्प जो है हायर ऑक्टेव का। इन तीनों को मिला के ये चीज प्ले करनी है आपको इस तरह से, ठीक है। करा क्या है, कुछ नहीं, एक साथ हमने
कितनी बार दबाया बस ये गिन लीजिए, आप गिनती गिनिए मैं बजा रहा हूँ। कितनी बार हुआ, मेरे ख्याल से 8 बार हुआ होगा। फिर से देखते हैं गिनती गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही बार हुआ है और आपने भी गिन लिया होगा। तो आप 8 बार गिनकर इन तीनों बटनों को एक साथ दबा सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या स्टेप है देखिए, पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये चीज क्या किया हमने, ए शार्प, सी शार्प, ई, डी शार्प, सी शार्प, कैसे, ये चीज, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके बाद ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत नोट्स आपके लिए बहुत सिंपल कर दिए हैं, वरना काफी जिगजैग था यहाँ पर, तो बहुत आसान कर दिए मैंने आपके लिए। देखिए क्या किया, ठीक है, नोटेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक। और इसके बाद फिर वही करेंगे, एफ शार्प मेजर कॉर्ड लगाएंगे 8 बार, ठीक है, फिर से यही चीज करेंगे और फिर से वही पीस बजाएंगे, ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। अब इसके बाद का स्टेप देखिए, ए शार्प से क्या किया, ठीक, और इसके बाद क्या है, इसमें हमने ए शार्प से शुरू किया और ए शार्प पर ही खत्म कर दिया। सबसे पहले क्या किया, ए शार्प, एफ शार्प, ए शार्प, एफ शार्प, ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद डी शार्प, ई और एफ शार्प, ठीक। इसके बाद जी शार्प, ए और ए शार्प, वापस वहीं के वहीं पर आकर खत्म हो जाएगी, ठीक। फिर से देखिए, ठीक है, थोड़ा तेजी के साथ, क्लियर, इस तरह से आपको प्ले करना है, ठीक। अब अगला स्टेप फिर से वही है, वही चीज जो हमने पहले सीखी, और इस म्यूजिक का जो एंड होता है वो कैसे होता है देखिए, ये चीज, ठीक। तो म्यूजिक का एंड जो है इस लाइन के साथ हो जाता है, और इसके बाद गाना जो शुरू होता है वो होता है ए शार्प से, मिडिल ऑक्टेव के ए शार्प से, यहां से गाना स्टार्ट होता है। जो सपना बस्ती की लाइन स्टार्ट होती है, मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करना, वो स्टार्ट होती है ए शार्प से। तो हमारा ये वीडियो सिर्फ म्यूजिक पार्ट का ही था, तो आगे गाना हम इसमें नहीं बताएंगे। वैसे ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, पियानो पर भी है, हारमोनियम पर भी है। अगर फिर से आप लोग रिक्वेस्ट आएगी इस वाले कीबोर्ड पर, CTX 9000 पर, तो फिर से मैं परदेसी परदेसी गाना इस कीबोर्ड पर आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो भी आप लोगों को हर वीडियो की तरह पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा। तो मुलाकात होगी आपसे आपकी अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।